चलो बाय बाय, लास्ट जोन मिलते हैं ब्रदर। ओके गाइस, निकलता है जो फ्लेयर मारनी है। मैं जो कल लेफ्ट हाइड्रा पीपल आस्किंग यस ब्रो, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। जो आपको पता ही होगा, काफ़ी लोग को पता होगा, आप लोग को नहीं पता होगा शायद, जोकर के डैड की मतलब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो जितना भी फैमिली का जो है वो जोकर के ऊपर आ गया है, एंड जोकर अभी गेम में फोकस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑब्वियसली यार काम वाम जॉब वगैरह वो सब देखना पड़ेगा उस बंदे को। तो इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में फ़िलहाल स्टेबल हो जाए, एंड उसके बाद देखते हैं आगे। सो मैं खुद ही बता देता हूँ आप लोगों को दैट एक्चुअली जनवरी में मेरे फादर सर जो है वो एक्सपायर हो गए थे, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। सो उसके बाद में पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी। पहले मैं सारे दिन खेला करता था, वो चेंज हो गया। गेम पे फोकस था जो, वो चेंज हो गया। बट स्टिल PMIS खेला मैंने, एक चांस देखा कि अगर PMIS अगर मैं जीत जाऊं या PMIS में कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाऊं जिससे कुछ अमाउंट मिले या कुछ इज्जत बने कम्युनिटी में, तो थोड़ा मैं कर सकता हूं एंड गेमिंग कम्युनिटी में आगे जा सकता हूं एंड मेरी जो फैमिली है उनको उनके लिए मैं कुछ कर जाऊंगा उस टाइम पे। सो दैट्स वाई PMIS मैंने स्टिल खेला एंड PMIS के सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए, हमारी टीम टूटी, वापस से जुड़ी। एंड एट दैट टाइम मैं छोड़ने वाला था गेम, बट स्टिल PMCO आया एंड PMCO के लिए मैंने लास्ट चांस मांगा मेरी फैमिली से दैट कि मेरे को PMCO खेलने का। एंड या दे सपोर्टेड, मेरे पापा के बड़े भाई, छोटे भाई, एवरीवन सपोर्टेड। मेरे कजन्स सब ने बोला कि अगर तेरे को लगता है तो कर सकता है तो तू जा ट्राई कर, बिकॉज़ सबको पता है कि अगर हम जीत जाएंगे सो लाइफ चेंज हो जाएगी मेरी एंड मेरे को मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसका ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा मेरे ऊपर। सो दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया PMCO के अंदर। हम लोग खेले, परफॉर्म किए, ग्रुप स्टेजेस में मारा सबको, सेमीफाइनल्स में मारा सबको, बट फाइनल्स में 9th आए। वी ट्राइड आवर बेस्ट, बहुत अच्छा ट्राई किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं बोलूँगा कि हम अच्छा नहीं खेले। टू बी ऑनेस्ट 11,000 टीम्स थी उसके अंदर, हम 9th आए हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो बट स्टिल मैं जीतने के लिए आया था, मेरे को जीतने का था बिकॉज़ मेरे घर से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ऐसी बात नहीं थी कि वो मेरे को मना कर रहे खेलने के लिए या मेरे को बोल रहे थे कि तेरा गेम बंद कर देंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं था। बट स्टिल क्योंकि घर का एक अकेला लड़का हूँ सो एंड मेरी कोई जॉब भी नहीं है सो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बट जब मैं PMCO फाइनल खेलने आ रहा था उस टाइम पे मेरी जॉब की जॉइनिंग थी 18 तारीख को, 17 तारीख को, बट 17 को ही हम पहुँचे थे तो दैट्स वाई फिर मैंने 18 से ज्वाइन किया। एंड किसी को नहीं पता अभी, बहुत कम लोगों को पता है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ में खेल भी रहा हूँ। अब जब पापा नहीं होते ना तो सीन वही होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ती है। एंड जितना मैं पबजी को टाइम दे सकता था मैंने दिया, परफॉर्म भी किया, बट जहाँ बात आई एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने की तो वो मैं जीत नहीं पाया। एंड अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-3 और टूर्नामेंट्स के लिए वेट करूँ बिकॉज़ बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, जो फैमिली फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो दैट्स वाई मैंने फैमिली को चूज़ किया एंड मैं इन सारी चीज़ों से हट गया। तो हाँ, मेन यही रीज़न था, ये पता नहीं था किसी को। एंड बात करूँ मैं हाइड्रा छोड़ने के बाद, में से कुछ लोग बोलोगे कि अगर ऐसी ही बात थी, गेम छोड़ना ही था तो फिर हाइड्रा क्यों लीव किया, हाइड्रा में रह जाता। तो हाइड्रा लीव करने की बात ये है कि यार हम लोगों की अच्छी खासी फैमिली बन चुकी थी हाइड्रा के अंदर, मैं, भीष्मा, गॉडकिल, ड्रिगर, क्रांति। बट जब PMCO के अंदर हम 9th आए, अच्छा लगा कि यार इतना बड़े टूर्नामेंट के अंदर हम परफॉर्म किए एंड ऑल। फाइनल के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकला बट मेरे को नहीं लगता, आई थॉट कि भाई मेरे को लगता है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट स्टिल यहाँ पे हम लोग सब जीतने के लिए आए थे। एंड अब सेकेंड टाइम जब हमारी टीम फाइनल्स के अंदर, या कह लो कि टूर्नामेंट जीत नहीं पाई या एक रेस्पेक्टिव पोजीशन नहीं ला पाई, सो टीम के अंदर चेंजेस ज़रूरी होते हैं।
एंड मेरे को जाने का तो था ही। सो मैंने बोला इन लोगों को कि भाई मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरे को जाना पड़ेगा, फैमिली प्रॉब्लम्स है, एंड क्योंकि मैं अब अकेला लड़का हूँ सो मेरे को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कोई बोलने तो आने ही नहीं वाला ना, मेरे को कोई भगवान आके बोलेगा कि तू अब गेम छोड़ दे, तू ये कर वो कर। मैंने तो छोड़ दिया यार, मेरा तो मेन रीज़न ही ये था कि अब जब टीम है ही नहीं तो हाइड्रा में रह के क्या फ़ायदा, बिकॉज़ मैं हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा के नाम की वजह से नहीं आया था, मैं हाइड्रा के अंदर आया था मेरी टीम की वजह से। हम जो 5 बंदे थे, हम एक टीम थे, शुरू से टीम थे, हम टीम थे लगभग मेरे हिसाब से अक्टूबर और सितंबर 2018 से हमारी ये 5 जनों की, 4 जनों की टीम फॉर्म हुई थी।